राजधानी लखनऊ में नगर निगम में बुधवार को विशेष सदन की बैठक आरोप अपशब्दों और धमकियों की भेंट चढ़ गई। बैठक में सरोजनी नगर द्वितीय वार्ड से बीजेपी पार्षद राम नरेश रावत ने नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह पर सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। इस पर नगर आयुक्त आपा को बैठे। काफी देर बहस के बाद वो सदन छोड़कर चले गए। इसके बाद मेयर और पार्षद में भी बहस होने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि पार्षद और कार्यकारिणी उपाध्यक्ष गिरीश गुप्ता में गाली गलौज तक शुरू हो गई और दोनों ने एक दूसरे को देख लेने तक की धमकी दे डाली। इस पर बाकी पार्षद ने राम नरेश रावत को घसीट कर बाहर किया। फिर पुलिस बुलाई गई। भाजपा पदाधिकारी भी पहुंचे। पदाधिकारियों ने पार्षद को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आश्वासन दिया। तब मेयर और नगर आयुक्त दोबारा सदन में गए। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने पार्षद राम नरेश रावत को खूब खरी खोटी सुनाई। उनके साथ सभी अपर नगर आयुक्त भी सदन छोड़कर चले गए। इसके बाद मेयर सुषमा खरकवाल ने पार्षद से सदन छोड़कर जाने को कह दिया। मेयर ने कहा कि पार्षद ने शीशे जैसे साफ इंसान पर गलत आरोप लगाया है। ऐसे पार्षद को सदन में रहने की कोई जरूरत नहीं। मेयर ने पार्षद के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत होने की बात कही। कहा कि जो खुद भ्रष्टाचार के दलदल में है वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं पार्षद की टिप्पणी के बाद मेयर ने सदन स्थगित कर बीजेपी नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी को बुला लिया। मेयर ने नगर अध्यक्ष को पार्षद के कृत्य के बारे में बताया। इस दौरान नगर अध्यक्ष ने नगर आयुक्त से भी मुलाकात कर पार्षद के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यवाही का आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने के बाद मेयर के कमरे में पार्षद राम नरेश रावत से भी नगर अध्यक्ष ने मुलाकात की। इसके बाद नगर आयुक्त और मेयर दोबारा सदन में कार्यवाही में चले गए। दोबारा सदन की कार्यवाही में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गलत आरोप को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बगैर साक्ष्य के अगर किसी ने भी गलत आरोप लगाया तो उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि हम सभी शहर के नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं। दिन रात अधिकारी और कर्मचारी व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं। ऐसे में इस तरह के आरोप काफी दुखी करते हैं। मैंने लखनऊ के सफाई को लेकर के माननीय नगर आयुक्त से मैंने क्वेश्चन किया कि जिस तरीके से ममता जी ने और माननीय पार्षद जी ने उठाया क्वेश्चन कि ये ब्लैकलिस्टेड है, फ्रॉड है, इनकम टैक्स में सूझ गए हैं, तो आपने इसको बिना पढ़े टेंडर क्यों जारी किया? अगर जारी किया तो कंपनी ने लखनऊ के सफाई के लिए ऐसा क्या संसाधनों में आपको ऑफर दिया है कि अच्छे तरीके से सफाई हो सकती? लेकिन नगर आयुक्त जी ने ऑफर सत्य सिर्फ सूटे हुए तिनक गए और सदन से छोड़ के बाहर चले गए, पूरी व्यवस्था फैला दी। ऑफर से कोई आरोप तो नहीं लगाया? नहीं, कोई आरोप नहीं है। लखनऊ की सफाई व्यवस्था, विशेष सफाई व्यवस्था कैसा, क्या ऑफर कंपनी दिया है इतनी फ्रॉड कंपनी ने? देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।